एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में। जी हां, जिसे हम पहले मुगल गार्डन के नाम से जानते थे और अभी इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अमृत उद्यान पूरा घुमाने वाली हूँ। क्या खास बात है इस गार्डन की, दिल्ली का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में तमाम जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फिर हमारे साथ, आपको लेके चल रहे हैं। मैं मौजूद हूँ गेट नंबर 35। यहाँ से ही आपको एंट्री होना है और आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको तमाम सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि राष्ट्रपति भवन में, अमृत उद्यान में क्या क्या टाइमिंग्स हैं और आप लोग क्या क्या देख सकते हैं और क्या खास बात है इस अमृत उद्यान की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं। अमृत उद्यान अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों का आकर्षण और अमृत उद्यान का शानदार नज़ारा न केवल देश के लोगों को आकर्षित करता है बल्कि विदेशों से भी लोग दिल्ली में इसे देखने के लिए आते हैं। आप यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास टिकट होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अगर बुक कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भीड़ है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो अगर बेटर होगा कि आप ऑनलाइन अपना टिकट बुक कर रहे हैं तो इसका जो बुकिंग जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगी कि आप जाके वहाँ से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो खूबसूरती है, जो नज़ारा है, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। तो ये जो गार्डन है, ये जो अमृत उद्यान है, इसी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। तो चलिए अभी और आगे आपको लेके चलते हैं और भी तमाम सुंदर सुंदर फूल है और आपको दिखाते हैं, आइए। आपको बता दें कि अमृत उद्यान में विजिट के लिए आम जनता को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है, ये बिल्कुल मुफ्त है। ये उद्यान साल में एक बार जनता के लिए खुलता है। अमृत उद्यान आम जनता के लिए 31 जनवरी से ये खुल चुका था और 26 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। आम लोगों के लिए अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि 4 बजे के बाद यहाँ एंट्री नहीं होती है। वहीं सोमवार को ये गार्डन बंद रहता है। ये गार्डन अपने खास किस्म के फूलों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन का ये उद्यान अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी मशहूर है। हर साल इसे देखने के लिए लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो सर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हर साल आते हैं। तो इस बार क्या अलग देखने को मिला आपको? इस बार कुछ वैरायटी अलग अलग दिखी गुलाब के फूलों की और इस बार मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। मेरे को भी अच्छा लगा, मैं भी काफी टाइम बाद आ रही हूँ, पर मैं तो सब चेंज अलग है उस टाइम से और इस टाइम से। जैसे फ्लावर्स की वैरायटीज अलग हो गई, कई सारे एरियाज रेस्ट्रिक्टेड हो गए, और फिर भी बहुत अच्छा था। अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। फ्लावर वगैरह भी बहुत अच्छे थे, मेंटेनेंस वगैरह सब चीज़ अच्छी है, डेकोरेशन अच्छा कर रखा है, सब चीज़ अच्छी। उद्यान 15 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 150 से अधिक किस्मों के गुलाब और ट्यूलिप्स, एशियाई लिली, डेफोलिल्स और अन्य सजावटी फूल हैं। पहले इसका नाम है अमृत उद्यान, मुगल गार्डन था, फिर इसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। और ये सन 1917 में डिज़ाइन किया गया था एडविन ल्यूटिन से। और इसमें 4 भाग हैं, पहला हर्बल गार्डन, फिर सेंट्रल गार्डन, फिर लॉन्ग गार्डन जिसमें हम खड़े हैं अभी, और फिर सर्कुलर गार्डन। तो हर्बल गार्डन में सारे हर्बल प्लांट्स हैं, सेंट्रल गार्डन में सारे प्लांट्स हैं, जो भी एनुअल जो प्लांट्स हैं हमारे, जैसे कि गेंदा हो गया, रेनानकुलस हो गया, रोज़ हो गया और केल हो गया, ये सब। और लॉन्ग गार्डन में हमारे आते हैं रोज़, रोजेज़। इसमें 16 वैरायटीज़ हैं रोजेज़ की,
और इसमें चाइनीज ऑरेंज है जो सबको आकर्षित करता है, और सबसे ज़्यादा आकर्षित ये करता है ऑर्नामेंटल केल लोगों को, जितने भी दर्शक यहाँ पे आते हैं सब देखने। और इसके बाद सर्कुलर गार्डन है, सर्कुलर गार्डन सर्कल में है। पहले इसमें डेलिया लगा है, सबसे ऊपर 8 फीट का है, और सबसे नीचे लगा है सबसे छोटा गेंदा लगा है। तो ये कैसे पिरामिड सा बना हुआ है साइज को लेके। अब की बार अमृत गार्डन करीब 60 दिनों तक खुला रहेगा, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी है जैसे कि किसान, दिव्यांग, विशेष अतिथि, पुलिस, सैनिक बल, इन सब के लिए अलग अलग दिनों का बंटवारा किया गया है। अमृत उद्यान का करीबी स्टेशन मेट्रो सेंट्रल सचिवालय है। यहाँ पहुँचने के लिए रेल भवन की ओर से निकलने के बाद आपको गेट नंबर 35 तक पैदल चलना है। अमृत उद्यान में 3 तरह के गार्डन हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कल और लॉन्ग। यहाँ लोग ट्यूलिप्स और गुलाब के फूलों का दीदार कर सकते हैं। उद्यान में 12 तरह के विशेष किस्म के ट्यूलिप्स के फूल लगाए गए हैं। गार्डन में सेल्फी पॉइंट भी है, लोग QR कोड से पौधों के किस्मों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ 120 प्रकार गुलाब हैं, 40 खुशबू वाले गुलाब हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे आम लोगों के लिए खोले जाने की शुरुआत की थी। तब से हर साल मुगल गार्डन यानी कि अमृत उद्यान आम लोगों के लिए खोला जाता है। बता दें कि ये गार्डन अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। अगर बात करें, राष्ट्रपति भवन बनाने वाले आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस ने इसे बनाया था। तो ये था अमृत उद्यान, जहाँ बहुत ही खूबसूरत और एक अलग से सुकून है यहाँ पे, एक अलग से एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि मार्च 26 तक यहाँ पे आप आ सकते हैं। इसके बाद ये अमृत उद्यान बंद हो जाएगा। साल में सिर्फ एक बार ये अमृत उद्यान खुलता है, और इस बार 2023 में ये 2 महीने के लिए खुला था। बाकी पहले तो इसे सिर्फ 1 महीने के लिए खोला गया था, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिला है, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ था और एक अलग सा एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने और देखने को मिला यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह देखते रहिए चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।